इंदौर का पश्चिम क्षेत्र तब शिवमय नजर आया जब गुटकेश्वर महादेव खुद जनता को दर्शन देने के लिए निकले। इस अद्भुत रूप में बाबा गुटकेश्वर महादेव के भक्तों के बीच जाने पर अपार कृपा बरस रही थी। ये हम नहीं, इस यात्रा में शामिल सैकड़ों सैकड़ों भक्त कह रहे थे। वह कह रहे थे कि बाबा गुटकेश्वर की सवारी में आकर हम धन्य महसूस कर रहे हैं। देखिए इसी पर ये खास रिपोर्ट। इंदौर का पश्चिम क्षेत्र हुआ भक्तिमय, बाबा गुटकेश्वर महादेव की निकली सवारी, भक्तों के बीच बाबा की बरसी अपार कृपा, नेताओं और संतों ने की यात्रा में शिरकत। इंदौर में गुटकेश्वर महादेव मंदिर काफी पुराना शिवालय है। यहां से हर साल बाबा गुटकेश्वर महादेव की सवारी निकाली जाती है। इसी कड़ी में सोमवार को बाबा गुटकेश्वर महादेव की सवारी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान संत महात्माओं के साथ भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी शिरकत की। गुटकेश्वर महादेव सदगुरु न्यास के अध्यक्ष धीरज शुक्ला ने बताया कि यात्रा 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस यात्रा की शुरुआत ब्रह्मालीन उमाशंकर मिश्रा ने की थी, जो कि आज तक सतत जारी है। भैया, आपके बारे गुटकेश्वर धाम सदगुरु परिवार न्यास द्वारा यह यात्रा का विगत 24वां वर्ष है। यह यात्रा विगत 24वें वर्ष में सफलतम आयोजन में प्रवेश कर रही है। यात्रा की शुरुआत ब्रह्मलीन पंडित उमाशंकर मिश्रा जी ने करी थी। इस बार हमारे यात्रा में उपाध्यक्ष अन्नू वाजपेयी जी, चंद्र प्रकाश दुबे जी के नेतृत्व में ये यात्रा का भव्य रूप आपने को दिख रहा है। अभी बाबा गुटकेश्वर महादेव की भव्य शाही पालकी सवारी में मथुरा वृंदावन के भी कुछ संत पधारे हैं, जो भी अभी आपको झांकी के माध्यम से बहुत अच्छे दर्शन होंगे। बाबा गुटकेश्वर महादेव की यात्रा में विधायक संजय शुक्ला शामिल हुए और कहा कि इस यात्रा का अब की बार रूट बदला गया है। ये गुटकेश्वर मंदिर की हमारी जो शाही सवारी निकलती है, आखिरी सोमवार है आज हमारा, वो यात्रा निकलती है। लगातार यात्रा निकल रही है। हमारे पश्चिम क्षेत्र के सभी लोग, हमारी माता है, बहने से बुजुर्ग आते हैं, वो यात्रा लगातार वर्षों से निकलती आ रही है। वो शाही धूमधाम से निकलेगी, परंतु क्या है, अभी यात्रा का आपकी रूट चेंज कर दिया है। ये बृंदावन होते हुए मरी माता मरीमा होते हुए ये वापस यात्रा यहीं आई है। यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित कृपा शंकर जी शुक्ला और भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित सत्यनारायण सत्तन शामिल हुए और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। गुटकेश्वर महात्मा के भोलेनाथ की सवारी पिछले अनेक वर्षों से निकल रही है। हम सब लोग धर्म प्रेमी जनता पूरी इसमें शामिल होती है और जो भक्त मंडली है वो सब लोग मोहल्ले की आसपास के माताएं बहनें भाई लोग सब मिलजुल कर इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। क्योंकि अभी आज इधर वृंदावन कॉलोनी कुमार खाड़ी बाणगंगा होते हुए ये वापस यहीं पे वापस आएगी। हम सब लोग बड़े प्रेम से आराधना कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं और पालकियों को निकाला है और बाहर गाड़ी में रख रहे हैं। देव देव आनंद कंद अंतर्यामी, दीनन दयाल होकर के माल देते हैं थाल भर भर स्वामी। भगवान गुटकेश्वर की यह महायात्रा जो है पथ पर संचलन करने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हुए भगवान निकलते हैं और अपने भक्तों के दरवाजे पर जाकर के वरदान प्रदान करते हैं। अभयार में अभयंकर भयंकर शिव शंकर, जय जय महादेव, हर महादेव। वहीं इस यात्रा में श्री 1008 महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज भी मौजूद रहे, जिन्होंने यात्रा के उद्देश्य की तरफ प्रकाश डाला। सतगुरु परिवार के द्वारा यह गुटकेश्वर महादेव की यात्रा निकाली जा रही है। यह सतगुरु परिवार के द्वारा विगत 24 वर्षों से यह यात्रा निकाली जा रही है और माँ अहिल्या के स्थापित गुटकेश्वर महादेव मंदिर इंदौर शहर में विख्यात है। यह कार्यक्रम में भाजपा नेता गोलू शुक्ला ने भी शिरकत की, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पर बाबा गुटकेश्वर महादेव की कृपा बनी रहे। गुटकेश्वर महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान गुटकेश्वर की आज श्रावण के चौथे सोमवार को भव्य सवारी यहां पर निकल रही है।
मैं सभी जनमानस से आग्रह करूंगा कि भगवान गुटकेश्वर की सवारी में आए और जो धर्म की गंगा बह रही है उसमें भगवान का आशीर्वाद। वही कार्यक्रम में यात्रा के सूत्रधार पंडित चंद्र प्रकाश दुबे अनु बाजपाई का विशेष सहयोग रहा। वही यात्रा मार्ग में विधायक रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता, पंडित मनोज मिश्रा, पंडित अश्विन शुक्ला, पंडित आनंद पुरोहित, पंडित गोलू शुक्ला, पंडित संदीप दुबे, संतोष कौर, कमलेश खंडेलवाल, सर्वजीत गौड ने शामिल होकर बाबा गुटकेश्वर के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।